मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू KPL एक्सप्लोर। तो भाई रात को ना काफ़ी लेट हो गए थे, तो हमें GMVN के इन टेंटों में ही रुकना पड़ा था। तो रात को तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया, रात को अंधेरा भी काफ़ी हो गया था। तो भाई हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ठंड बहुत है यार, यहाँ तो हाथ भी ना बिल्कुल ऐसे सुन्न हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठंड है। यार यहाँ एक चीज़ नोटिस करी है मैंने ना, भूख बहुत लगती है यहाँ, कितना भी खा लो चलते चलते सब पच जाता है। रात को बड़ी मुश्किल से यार वो कैंप मिले हमें GMVN के, बोला भी नहीं जा रहा इतनी ठंड है। यहाँ पे अगर आप उन कैंपों में स्लीपिंग बैग लेते हैं तो वो 400 रुपये पर पर्सन पड़ता है, और अगर आप हट लेते हो तो पर पर्सन 1000 रुपये लेते हैं वो। हट ठीक है यार स्लीपिंग बैग से, तो कम से कम वहाँ नहाने वाने की व्यवस्था तो है, और स्लीपिंग बैग लोगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। रात को सिर्फ सोना है, सुबह उठ के अपने निकल जाना है। चलिए यार यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर और बचा हुआ है गाइस। बोला भी नहीं जा रहा यार बिल्कुल। दोस्तों अगर यहाँ आओ ना आप अभी इस सीज़न में, अभी ये मंदिर मेरे ख्याल में नवंबर में बंद हो जाएगा अभी फ़िलहाल, तो आप गर्म कपड़े यार ज़रूर लेके आना अपने साथ ना। और सामान आप इतना ही लाना अपने साथ कैरी करके जो आप लेके जा सको ट्रैक पे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है अगर ज़्यादा सामान होता है तो। गाइस अभी हम रुके चाय पीने, ठंड काफ़ी लग रही थी यार तो मगर चाय पी ली जाए एक। जो अभी आप सामने देख रहे हो ना ये ट्रैक, ये वाला ट्रैक, ये पहले पुराना ट्रैक हुआ करता था। ये जब 2013 की आपदा आई थी उस टाइम ये ट्रैक सारा टूट गया था। जितनी भी आप ये पहाड़ी खिसकी हुई देख रहे हो ना, ये सारी पहाड़ी आपदा के टाइम पे खिसकी हुई है, और नया ट्रैक ये है जहाँ से अभी ये घोड़े आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये नया ट्रैक बाद में बनाया, पहले यही ट्रैक हुआ करता था। आपको ट्रैक नज़र भी आ रहा होगा, ये देखो आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर की टिकट भी बुक कर सकते हो, जो मेरे ख्याल में 4600 रुपये आना जाना कर देता है। केदारनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर गाइस, और बेस कैंप 2.5 किलोमीटर।
से आगे ना खच्चर नहीं जाते, ये खच्चर का लास्ट स्टॉप है कि नीचे से जब सोनप्रयाग से आते हैं या फिर गौरीकुंड से आते हैं यहाँ पे आके खच्चर रुक जाते हैं, इसके बाद आगे खच्चर जाते नहीं। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास और है मंदिर, और अभी यहाँ से ये भी पैदल जाएंगे। ये इनका लास्ट एंड है, यहाँ तक लास्ट पॉइंट है मतलब कि। यहाँ से मंदिर का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, और ये साइड से मंदाकिनी जा रही है और एक इधर से भी आ रही है। ये एक्चुअली ऐसे आती है, एक मंदिर के राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से ऐसे घूम के आती है। यहाँ से मंदिर का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से देखो आप ये मंदिर की मेन पेड़ियाँ हैं। आज यहीं से लाइन स्टार्ट है। आज इतनी भीड़ है कि करीबन दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। 500 मीटर की लाइन लगी हुई है कम से कम। चलिए आगे चलते हैं। सामने आपको मंदिर नजर आ रहा होगा।
होगा 200 मीटर तो होगा ही। इतनी भीड़ है आज जबरदस्त। चलिए आपसे मंदिर के पास मिलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। फाइनली दर्शन हो चुके हैं मंदिर में, हमने एंट्री कर ली थी 3 घंटे लाइन में लगने के बाद तब दर्शन हुए हैं और अभी नंदी जी के भी दर्शन कर लिए। आपको मंदिर का पूरा वो ग्राउंड दिखाता हूँ अभी। गाइस, जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये है भीमशिला। ये एक्चुअली 2013 में जो आपदा आई थी उसके पानी के बहाव में बह के आई थी शिला। तो उस टाइम क्या किया था, मंदिर को जो प्रोटेक्ट किया था इसी ने किया था। मतलब कि ऐसा हुआ था कि पानी का जो बहाव था उसको 2 भागों में इसने डिवाइड कर दिया था, तो मंदिर उससे बच गया था। ये मंदिर का बैक साइड है, इसका पूरा वॉक अराउंड मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो सामने देख रहे हैं, जो आप 2013 में जो आपदा आई थी वो पानी वहाँ से आया था ऊपर से, इस साइड से और इस साइड से। इस साइड से पानी इतना फ्लो कर रहा था, इतना तेज़ था कि इतना बड़ा पत्थर भी, ये जो आप सामने देख रहे हैं जिसको अभी भीमशिला कहते हैं, ये भी बह के उसी में आया था। ठीक है, तो ये मंदिर के पीछे आके रुक गया और मंदिर की रक्षा इसी पत्थर ने की थी। पानी का बहाव दोनों साइड, मतलब एक इधर से कट गया और इधर से कट गया, तो मंदिर बच गया था इससे। अभी गाइस भूख भी लग रही है, अभी कुछ खाएंगे भी। तो बात कर दी थी। आई थी आपरे ओरंगवानु नथी वरो पास हां એટલે પાસ ઓરવાનું છે હા હા તો મુખિયા કે જે આવી યા કે પાસ ઓર છે જો જે આવો ને हाँ
गाइस अभी दर्शन हो चुके हैं हमारे, अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। देखते हैं यार, ट्रैक है यार करीबन 17-18 किलोमीटर का, नीचे उतरते हुए कंप्लीट हो गया तो अपनी गाड़ी उठा के सीधा किसी होटल में रुकेंगे फिर। तो भाई 4:30 बजे निकले थे हम बेस कैंप से और अभी बजे 5। मेरे ख्याल में 3 से 4 घंटे हमें लगेंगे नीचे पहुंचने के लिए। पहुंच जाएंगे पर यार आज हम नीचे ना, उतरने में इतना दिक्कत नहीं आती जितना चढ़ने में दिक्कत आती है। चढ़ने में तो ये लगा लो 500 मीटर चलो सांस फूल जाती है क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ कम है यार। तो भाई अभी पहुंच गए हम लिंचोली, रामबाड़ा तक देखो कितना टाइम लगता है। तो यार रामबाड़ा तो पहुंच गए हैं, यहाँ से और 7 किलोमीटर और चलना है अभी पैदल। अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। चलते हैं गौरीकुंड यार, यहाँ से ना 3 किलोमीटर और है। हालत यार बिल्कुल ऐसी हो रखी है, बिल्कुल चलने की ना हिम्मत नहीं है। दो किलोमीटर और है गाइस गौरीकुंड यहाँ से। तो गाइस फाइनली पहुँच गए भाई हम अपनी गाड़ी में और गाड़ी हमने अपनी स्टार्ट कर ली है। अभी देखते हैं यार यहाँ से निकले, पहले सबसे पहले यहाँ से निकलना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ना जाम लगना स्टार्ट हो गया है। अभी ऊपर जाके और देखते हैं यार कोई होटल वोटल, उसके बाद तो यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर सुबह निकल जाएंगे यार यहाँ से घर की तरफ। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।